Hello everyone, we shall continue with introduction to GST. अब आप ऐसा समझ लीजिए कि GST यहां से शुरू हो रही है. अभी तक तो हम लोग GST के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, GST के बेनिफिट्स कैसे हैं, ये सारी बातें हो रही थी. Now we'll start with definitions under GST. और सबसे पहली डेफिनेशन जो हम देखने जा रहे हैं वो है GST की डेफिनेशन. आइए देखते हैं. डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, इसकी डेफिनेशन. ये डेफिनेशन आप कहां से देख रहे हैं? ये डेफिनेशन आप CGST एक्ट से नहीं देख रहे हैं, ये डेफिनेशन आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. जो GST की डेफिनेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी हुई है, हमारे संविधान में लिखी हुई है. बाकी मैं जितनी भी डेफिनेशन आपको पढ़ाऊंगा ना, वो कहां से पढ़ाऊंगा? CGST एक्ट से. द टर्म GST इज डिफाइंड इन आर्टिकल 366(12)(a) टू मीन एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन. एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन. जो एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन है, यानी कि एल्कोहल दारू, इस पे GST नहीं लगेगी. अरे ये कौन सी बात हुई? इस पे तो आपको लगता होगा कि गवर्नमेंट को दबा के लेना चाहिए. एल्कोहल पे GST क्यों नहीं? एल्कोहल पे तो और दबा के GST लेनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्यों नहीं ले रही है? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अल्कोहल अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि हमारे देश में GST आए कि ना आए. पता है अल्कोहल पे, अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, और फिर जब ये सेल होता है तो इस पे वैट और CST लगता है. वैसे तो एक्साइज ड्यूटी जो रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन अल्कोहल पे जो एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी ना, वो पता है किसकी रेवेन्यू थी? स्टेट गवर्नमेंट की. मतलब अल्कोहल जब बनेगा तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती थी, और जब बिकता था तो उस पे वैट या CST लगता था, वो भी किसको मिलता था? स्टेट गवर्नमेंट को. यानी दारू बनने से लेके बिकने तक, दारू बनने से लेके बिकने तक जितना भी टैक्सेस था वो किसका था? स्टेट गवर्नमेंट. और इनफैक्ट बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जो ये कहती है कि अगर हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में दारू बंद हो गई तो समझ लो राज्य बंद हो जाएगा. मतलब इतनी बड़ी रेवेन्यू वहां से आती है. आपने ये बात भी नोटिस की होगी कि बहुत सारी स्टेट में अल्कोहल बिकती है, बहुत सारी स्टेट में नहीं बिकती है. ऐसा कैसे? वो इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा जुरिडिक्शन एरिया किसका है? स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमारे स्टेट में दारू बिकेगी कि नहीं. जैसे देखिए गुजरात में, बिहार में अल्कोहल बिकती है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि उन स्टेट ने डिसाइड किया है कि नहीं, हमारे यहां नहीं बिकेगी, हमें नहीं चाहिए इसकी रेवेन्यू. अब कुछ स्टेट है कहती है कि अगर हम अल्कोहल बेचना बंद कर देंगे, हमारे स्टेट में अल्कोहल ना बिके, तो इतना रेवेन्यू लॉस होगा कि स्टेट नहीं चल पाएगा हमारा, तो वहां बिकती है. आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही है. तो जब GST लाने की बात हुई तो स्टेट ने कहा कि देखो अल्कोहल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, उसमें बंटवारा अटवारा, क्योंकि GST एक ऐसा कानून बन रहा है जिसमें आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट को. तो स्टेट ने साफ मना कर दिया अल्कोहल के साथ मजाक नहीं होगा, ठीक है, वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा. तो संविधान में यह बात लिखी गई, GST के कानून में भी नहीं. जा सोचो, GST के कानून में नहीं, संविधान में यह बात लिख दी गई कि हम लोग अल्कोहल पे GST नहीं लगाएंगे. एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन. आई होप सबको बात समझ में आ गई. तो GST किस पे है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे है, लेकिन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे नहीं है. और यह बात कहां लिखी हुई है? हमारे संविधान में लिखी हुई है. वैसे तो हमारा GST का कानून, इनकम टैक्स का कानून समय समय पे बदलता रहता है, एक नोटिफिकेशन के जरिए भी इन कानून को बदला जाता है, लेकिन हमारा संविधान तुरंत तुरंत नहीं बदलता है, राइट? और यह बात संविधान में लिखी गई है.
ताकि वो ज्यादा रिलैक्स रहें, ज्यादा कंफर्टेबल फील करें कि हाँ ये अल्कोहल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा, राइट? तो अब आप एक काम करेंगे, अपने नोटबुक में एक पेज पे हेडिंग दीजिए नो जीएसटी। हेडिंग क्या देंगे आप? नो जीएसटी। और इसमें हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को वन बाय वन नोट करेंगे कि किन किन चीजों पे जीएसटी नहीं है और क्यों नहीं है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे जीएसटी नहीं है, अभी हमने ये पढ़ा, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इस पे जीएसटी नहीं है। इसका कारण क्या है, क्यों जीएसटी नहीं है इस पे? Not included in definition of GST given in constitution, इसलिए जीएसटी नहीं लगता है। एक्चुअली बहुत सारे आइटम पे जीएसटी नहीं लगता है हमारे देश में, लेकिन उसके अलग अलग कारण है, ठीक है? कुछ आइटम पे जीएसटी इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो गुड्स और सर्विसेज है ही नहीं, इसलिए जीएसटी नहीं लगता। क्योंकि जीएसटी किस पे लगता है? देखिए, जीएसटी लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे। और कुछ आइटम ऐसे हैं जो गुड्स और सर्विसेज दोनों में से कुछ भी नहीं है, इसलिए जीएसटी नहीं लगता, राइट? फिर कुछ आइटम ऐसे हैं जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई में स्पेसिफाइड है, इसलिए जीएसटी नहीं लगता। तो अलग अलग कारण है, हमें यह भी देखना होगा कि जीएसटी किन पे नहीं लगता और क्यों नहीं लगता है। और ये हम ग्रेजुअली सीख पाएंगे, जब हम बहुत सारी डेफिनेशन कर लेंगे तब हम ये सीख पाएंगे। तो इसमें हम लोग पॉइंट्स को आगे बढ़ाते रहेंगे, ये पूरा पेज आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल और नॉट, हमें ये डिस्कस करना है। सबसे पसंदीदा चीज आपके सामने है पहले, ठीक है, किंगफिशर बियर, दिस इज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। आपको बताना इस पे जीएसटी लगता है कि नहीं, जल्दी बताइए जीएसटी लगता है नहीं। अभी अभी पढ़ा हमने कि हमारे संविधान में कहा गया है कि इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, जीएसटी नहीं लगता इसका मतलब सरकार टैक्स ही नहीं ले रही है? ले रही है, इस पे तो राज्य सरकार भर भर के टैक्स ले रही है, ठीक है? और राज्य सरकार ये चाहती थी कि जो टैक्स ले रही है वो वैसा चलता रहे, इसके साथ कोई छेड़खानी ना हो, इसलिए इसको जीएसटी में नहीं लाया गया। आ रही बात समझ में? आइए दूसरी बात करते हैं, कोडीरेक्स कफ सिरप। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं पहले आपको बता दूं, ये जो कफ सिरप होते हैं ना, इसमें लगभग 25% कंटेंट अल्कोहल होता है। मतलब अगर ये 100 ml की बॉटल है तो लगभग 25 ml इसमें अल्कोहल डाला हुआ है। हां, यही अल्कोहल, दारू डली हुई है 25% इसमें। तो अब मैं पूछना यह चाहता हूं कि क्या इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं। उसके पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे और करूंगा, क्या आपने ड्राई डे सुना है? ड्राई डे सबने नहीं सुना होगा, लेकिन अल्कोहल पीने वालों ने जरूर सुन रखा होगा, उन्होंने ध्यान दिया होगा इस दिन का, तो वो विशेष ध्यान देते हैं। आइडिया है आपको, ड्राई डे का मतलब सूखा दिन, गला सूखा रह जाता है, तर नहीं होता, दारू अंदर नहीं जा सकती। क्यों? सरकारी बंदी है आज दारू की दुकानों की, आज वाइन शॉप्स बंद रहेंगी। तो जिस दिन गवर्नमेंट वाइन शॉप्स बंद रखती है ऑल ओवर इंडिया, उसे कहा जाता है ड्राई डे। मैं आपको बताता हूं कुछ ड्राई डे, जैसे 26 जनवरी ये ड्राई डे है, 15 अगस्त ये ड्राई डे है, 2 अक्टूबर गांधी जी जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन गला तर नहीं हो सकता, ठीक है, कोई विशेष दुश्मनी होगी गांधी जी को, तो 2 अक्टूबर ये ड्राई डे है। और भी कुछ दिन होते हैं ड्राई डे, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है इन सब चीजों की, तो ये सब ड्राई डे है। अच्छा, अब अगर ड्राई डे होता है तो इस दिन अल्कोहल नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पता है कि जिसको अल्कोहल चाहिए उसको चाहिए, उसका तो उसके बिना गुजारा नहीं है, तो वो क्या करता है? मैंने कई बार बच्चों से ऐसा पूछा कि वो क्या करता होगा, तो लोग कहते हैं कि 2 दिन पहले से खरीद के स्टॉक रख लेता होगा, ये तो उसको भी पता होगा, राइट?
जिसको रोज की चाहिए उसको तो पता होता होगा ना किस किस दिन बंद होती है, वो तो बल्कि इसको इसका तो शेड्यूलर लगा के रखता होगा, ठीक है, मोबाइल में अलार्म भी लगा के इसके लिए रखता होगा कि मुझे परचेज करना है। तो देखिए, एक तो ये बात जरूर हो गई कि वो पहले से अपना स्टॉक रख लेता होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं है तो एक दूसरा रास्ता उनके पास होता है। यू विल सी कि वो लोग केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं और कोडीरेक्स की 10 बॉटल ले लेते हैं, ठीक है। अगर कोडीरेक्स की 10 बॉटल लिए 100-100 ml की, जिसमें 25-25 ml एल्कोहल है और 10 बोतल पी गए, तो 25 ml इंटू 10, 250 ml दारू तो शरीर के अंदर चली गई, अब ठीक है, आनंद आ गया। कभी आपने बचपन में कोडीरेक्स पिया है? जब आप बचपन में कोडीरेक्स पीते थे तो आपको नींद आती थी, पता नहीं आपको ये बात अब याद भी शायद नहीं होगी, और वो नींद इसी वजह से आती थी क्योंकि उसमें अल्कोहल था। और अगर नहीं याद है तो एक काम कीजिएगा, अगली बार जब सर्दी लगे तो अब कोडीरेक्स लीजिएगा, अब मुझे उम्मीद है आपको नींद कम आएगी, मजा ज्यादा आएगा, राइट। तो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई कि इसमें अल्कोहल का कंटेंट होता है, ये एक मेडिसिनल प्रिपरेशन है विच इज कंटेनिंग एल्कोहल लिकर, ठीक है, ज्यादा आनंद नहीं लेना है, पढ़ाई करनी है। इट्स एन मेडिसिनल प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहलिक लिकर, आपको बताना है इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी बताइए, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन इट। किस पे नहीं लगेगा? विच इज एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो लीकर की तरह ही कंज्यूम होता है। ये लीकर की तरह कंज्यूम नहीं होता, ये दवा की तरह कंज्यूम होता है। आप कहोगे सर आपने तो अभी सुनाए मुझे बात, 10-10 बोतल पी लिया, अरे वो तो ऐसा ये बनाया इसलिए नहीं ना गया है, कोडीरेक्स सिरप का ये ऑब्जेक्टिव नहीं ना है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि लोग ऐसा भी कर लेते हैं। तो एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन एज इन लीकर इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, बट इफ यू आर मेकिंग एनी मेडिसिनल प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल दैट वुड बी लायबल फॉर जीएसटी। नाउ लेट अस टॉक ऑफ सम टॉयलेटरी प्रिपरेशन विच ऑल्सो इंक्लूड्स एल्कोहल। बहुत सारी चीजें होती हैं टॉयलेटरी प्रिपरेशन विच इंक्लूड्स एल्कोहल, जैसे वन इज, मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, एक्स आफ्टर सेव लोशन। इनफैक्ट एक्स तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, जितने भी आफ्टर सेव लोशन है उसमें एल्कोहल होता है, राइट। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें एल्कोहल होता है, मैं नाम लिखता हूं, हेयर डाई में एल्कोहल होता है, ठीक है, जो डिओडेंट होते हैं इसमें एल्कोहल होता है, परफ्यूम में एल्कोहल होता है, इनफैक्ट आपको आश्चर्य होगा ये जान के माउथ वॉश में भी एल्कोहल होता है, राइट। इन सब में एल्कोहल के कंटेंट होते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या इन पे जीएसटी लगता है कि नहीं, इन आइटम्स में जिसमें एल्कोहल है, टॉयलेटरी प्रिपरेशन लगता है, इस पे जीएसटी लगेगा। तो आई होप सबको क्लियर हो गया कि जीएसटी किस पे नहीं लग रहा है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो इसकी कैटेगरी हो गई, मुझे बहुत ज्यादा नहीं जानकारी है, आपको ज्यादा होगा, बियर, ठीक है, देन वाइन, वोडका एंड व्हाटएवर, ठीक है, आप ज्यादा समझते हो। तो जितनी भी ये अल्कोहल वाली कैटेगरीज हैं उन पे जीएसटी नहीं लगता। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, गुड्स। गुड्स मींस, अच्छा अब ये गुड्स की डेफिनेशन दी कहां हुई है? सीजीएसटी एक्ट। सारी की सारी डेफिनेशन अब आप कहां देखने जा रहे हैं मेरे साथ? सीजीएसटी एक्ट में। सिर्फ एक ही डेफिनेशन आपने देखी जो हमारे संविधान में लिखी हुई थी, और वो कौन सी थी? जीएसटी की डेफिनेशन। गुड्स की डेफिनेशन देखिए, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इससे एकदम क्लियर हो गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग गुड्स नहीं है। तो एक बार हम सोचने की कोशिश करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग गुड्स नहीं है तो क्या सर्विस है? और इस सर्विस तो हो ही नहीं सकता, अगर गुड्स नहीं है तो सर्विस तो नहीं है। लैंड सर्विस है क्या? बिल्डिंग सर्विस है क्या? नहीं। अगर होता तो ये गुड्स हो सकता था, और अगर गुड्स नहीं है तो सर्विस तो है ही नहीं। तो इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर लैंड एंड बिल्डिंग की सप्लाई होगी तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि आप बता सकते हो, अच्छा इस पे जीएसटी नहीं लगता तो लैंड एंड बिल्डिंग की सप्लाई होती है तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है क्या? मिलता है, हाँ मिलता है। कैसे? स्टैंप ड्यूटी।
जमीन की मकान की रजिस्ट्री होगी तो स्टैम्प पेपर पे होती है ना, राइट? और वो स्टैम्प पेपर का पैसा तो गवर्नमेंट को मिल रहा है ना। तो चलिए एक दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं यहां पे, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे जीएसटी नहीं होता। दूसरा, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं होता, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं होता। क्यों नहीं होता, कारण बताइए। नॉट गुड्स, ये गुड्स ही नहीं है तो कहां से जीएसटी लग जाएगा? जीएसटी की डेफिनेशन याद है? जीएसटी की डेफिनेशन क्या कह रही थी? कह रहा था कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगता है अल्कोहल छोड़ के। तो भाई अगर मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को कहा कि तुम गुड्स नहीं हो तो सर्विस तो है नहीं, तो इसका मतलब जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि गुड्स और सर्विस की सप्लाई पे तो जीएसटी लगता है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार को टैक्सेस नहीं मिल रहा है, सरकार ले तो रही है स्टैम्प ड्यूटी, सरकार स्टैम्प ड्यूटी ले रही है। अल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं है तो बच थोड़ी ना गया अल्कोहलिक लिकर, उस पर लग रहा है टैक्स। कौन सा? पुराना वाला, जो पहले टैक्सेस लगता था वही लग रहा है। क्या लग रहा है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग रही है और वैट लग रहा है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट लग रहा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी दिस नॉट गुड्स, इसमें क्या क्या आएगा? लैंड आ जाएगा और बिल्डिंग आ जाएगा। अब थोड़ी बात और सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो रेडी बिल्डिंग होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होती है और हम अपना फ्लैट बुक कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, और हम उसको बुकिंग कराते हैं कुछ पैसे देके, 10 लाख रुपए देके मैंने बुकिंग कराया फ्लैट का, तो पता है ये 10 लाख रुपया आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपने 10 लाख रुपए दिया है उस दिन इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, इमूवेबल प्रॉपर्टी उस दिन है ही नहीं। अब बिल्डर पैसा कैसे लेते हैं आपको भी बहुत अच्छे से पता है, वो तो भूमि पूजन आज करते हैं और आज ही कागजों पे दिखा देते हैं ऐसी ऐसी बिल्डिंग बनेगी, ऐसी ऐसी इमारत बनेगी, और फ्लैट बेच डालते हैं। तो जिस दिन हम बुकिंग करा रहे हैं बिल्डिंग रेडी नहीं है, हमने पैसा दिया है, तो क्या आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का पैसा दिया है? नहीं, कानून कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, तो पैसा इमूवेबल प्रॉपर्टी का कहां है? पैसा आप दे रहे हो कंस्ट्रक्शन सर्विस का। ओ माय गॉड, जब तक बिल्डिंग रेडी नहीं है तब तक जो पैसा है वो कंस्ट्रक्शन सर्विस का है और इस पे जीएसटी लगेगा, राइट? अच्छा, अगर मैंने रेडी फ्लैट खरीदा, बिल्डर ने फ्लैट बना लिया है, बिल्डर ने फ्लैट बना लिया है, रेडी फ्लैट है, अब मैं उसे खरीद रहा हूं, क्या मुझे जीएसटी देना है? नहीं, अब मैं जो उसे पैसा दे रहा हूं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का है। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, इसलिए ध्यान से ध्यान रखिएगा इस बात का। अब एक और एग्जाम्पल सुनिए, एक फ्लैट है 80 लाख रुपए का, एक फ्लैट है 80 लाख रुपए का जिसका 60 लाख रुपए मैं कंस्ट्रक्शन के दौरान दे दिया, और जब फ्लैट रेडी हो गया तो मैंने 20 लाख रुपए और देके रजिस्ट्री करा ली। रिपीट करूं अपनी बात, फ्लैट कितने का है? 80 लाख रुपए का। जब तक फ्लैट तैयार हो रहा था तब तक मैंने 60 लाख रुपए दे दिया था, कभी 10 लाख कभी 20 लाख इस तरीके से करते करते 60 लाख रुपए दे दिया था। जब फ्लैट रेडी हो गया तो उसके बाद बचा 20 लाख रुपए और वो मैंने दिया और फ्लैट की रजिस्ट्री करा ली, राइट? तो ऐसे में 60 लाख रुपया आपका कंस्ट्रक्शन सर्विस के लिए दिया गया है ये माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा, और जो फ्लैट रेडी होने के बाद आपने 20 लाख रुपए दिया था वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का पैसा कहलाएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, राइट? आई होप यू पीपल नो वेयर यू आर वॉचिंग मी। यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ अनअकैडमी, जिसका नाम है अनअकैडमी CA एस्पायर। इस यूट्यूब चैनल पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की फ्री क्लासेस अवेलेबल है, कंप्लीट सीरीज ऑन इनकम टैक्स अमेंडमेंट, पास्ट ईयर पेपर, कॉस्टिंग की कुछ सीरीज है, फाउंडेशन के लिए अकाउंटिंग की कंप्लीट सीरीज है, बहुत कुछ है यहां पे। Have you ever seen it properly? If not, तो should I help you in going through the entire YouTube channel? आपकी help करूं, आपको बताऊं इस YouTube channel पे आपको क्या-क्या मिलता है?
आइए आप यूट्यूब सर्च कीजिए चैनल अनअकैडमी सीए एस्पायर, तो देखिए ये है चैनल। नाउ यहां पे हम लोग वीडियोस में जाते हैं, आप क्लिक वीडियोस। नाउ सी पास्ट ईयर क्वेश्चंस, रिवीजन क्लास ऑन टाइम ऑफ सप्लाई, राइट, जीएसटी का टॉपिक है, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, मेथड ऑफ वैल्यूएशन फॉर सीए फाउंडेशन, द एंटायर सीरीज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट, दस सो मेनी थिंग्स। तो आप इसका उपयोग लीजिए परफेक्ट तरीके से। प्लेलिस्ट में आइए, जहां पे लंबी सीरीज चल रही है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यू कैन फाइंड EISSM अमेंडमेंट, सीरीज ऑफ ऑडिटिंग, इनकम टैक्स अमेंडमेंट, आई हैव टेकन दिस इनकम टैक्स अमेंडमेंट, कंप्लीट अमेंडमेंट क्लास फॉर मे 20 एग्जामिनेशन, एंड दिस इज इक्वली यूजफुल फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशन एज वेल। आपके कोर्स में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी दो क्लासेस हैं, ये भी यहां पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली, राइट। फिर इसके बाद आप कम्युनिटी पोस्ट में जाइए। एवरी डे अन अकेडमी इज गोइंग टू पोस्ट समथिंग न्यू विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड इट्स एन नोटिस ऑल्सो एट टाइम्स। जो भी अपकमिंग क्लासेस आ रही है YouTube पे उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कभी कभी स्पेशल क्लासेस जो Unacademy के प्लेटफॉर्म पे आती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहां पे मिल जाती है। तो इसे जरूर आप रोज विजिट किया करिए, आप देखिए कि व्हाट इज द अपकमिंग क्लासेस, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती है, राइट। देन यू विल फाइंड Unacademy CA प्लस, एक लिंक देख रही है आपको यहां पे Unacademy CA प्लस, इसको क्लिक कीजिए। सो यू विल नाउ रीच टू Unacademy प्लेटफॉर्म। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस Unacademy प्लेटफॉर्म? दिस ऑफर्स अ पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन। सपोज आप अगर 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने तक आप CA की सभी एजुकेटर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम, राइट। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों की क्लासेस ऑफर की जा रही है। अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो आप फाउंडेशन क्लियर करने के बाद सेम सब्सक्रिप्शन में इंटरमीडिएट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहां पे सिर्फ आपको क्लासेस ही नहीं मिलती, लाइव टेस्ट, क्विजेस ये भी मिलता है, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यहां पे आपको टीचर्स की फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है। हम यहां पे एजुकेटर्स को देख सकते हैं, देखिए दीज आर द टॉप एजुकेटर्स। आप एजुकेटर की प्रोफाइल खोल लीजिए और वहां से आप पहुंच जाइए उनकी कुछ फ्री क्लासेस पे। देखिए ये जब मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की तो इसमें सीए एग्जाम्स में ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है दीज आर पेड क्लासेस, ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आप देख सकते हैं। लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे स्पेशल क्लासेस, दीज आर फ्री क्लासेस। तो बिफोर कमिंग टू प्लेटफॉर्म पहले आप चेक कर लीजिए वेदर दिस प्लेटफॉर्म इज यूजफुल और नॉट। अगर आपको ये स्पेशल क्लासेस अच्छी लगती हैं तो फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना होगा, मैं वापस से उस स्क्रीन पे जाता हूं, मेन स्क्रीन पे जहां पे दिया हुआ है आपको गेट सब्सक्रिप्शन, इसे क्लिक कीजिए। तो दीज आर द ऑफरिंग्स फ्रॉम Unacademy, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month, बट आई ऑलवेज रेफर यू टू गो फॉर लॉन्गर पीरियड सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आप जितने लंबे पीरियड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो उतना सस्ता मिलता है आपको। 24 month सब्सक्रिप्शन इज जस्ट फॉर रुपी 21,000, इट इज इवन लेस देन रुपी 1,000 पर मंथ। एंड आई गिव यू समथिंग मोर, एक मेरी तरफ से गिफ्ट है आप सभी के लिए, यू कैन यूज द रेफरल कोड स्टडी एट होम। अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो यू विल गेट अगेन डिस्काउंट। इसको अप्लाई करते हैं, देखिए आपको फिर डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे। नाउ द 24 मंथ सब्सक्रिप्शन इज जस्ट 18,900। बाकी सब्सक्रिप्शन की भी प्राइसेस कम हो रही हैं, आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए कि आपको कितने समय की सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है और बाय कीजिए इसे, राइट। व्हाट आर टारगेट इज, आवर टारगेट इज टू अल्टीमेटली क्रैक सी एग्जामिनेशन, लेट्स क्रैक इट। तो क्या है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज।
मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है कहता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी में भी मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं है। मनी का मतलब आप समझते हैं, मनी का मतलब होता है कैश, चेक, ड्राफ्ट। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर। अगर हम किसी को शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, मनी, चेक ये सब देंगे तो इस पर जीएसटी लगा के नहीं ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हम अपनी कंपनी का शेयर बेच रहे हैं, शेयर है 10 रुपए का, तो 10 रुपए का ही देंगे, जीएसटी नहीं लगाएंगे। शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, सिक्योरिटीज हो गई, और कैश, चेक, ड्राफ्ट ये सब देंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लेंगे, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, क्योंकि ये गुड्स नहीं है। अच्छा, जीएसटी नहीं लेंगे ये बात मैंने क्यों बोली, क्योंकि सर्विस की डेफिनेशन देखिए इसमें भी क्या लिखा हुआ है, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। अगर वो गुड्स नहीं है तो सर्विस है, लेकिन मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं, मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज सर्विस है, और वो मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स भी नहीं है। यानी मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, तो क्या जीएसटी लगेगा, जल्दी बताइए, नहीं। क्योंकि जीएसटी की डेफिनेशन क्या कहती है, कहता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे हम लगेंगे। तो आइए एक बात और लिख लें, तीसरा, मनी एंड सिक्योरिटीज इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, इसका रीजन लिख रहे हैं, नीदर गुड्स नॉर सर्विस, गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, राइट। अब वापस से गुड्स की डेफिनेशन पे आ रहे हैं, बट इंक्लूड्स एक्सनेबल क्लेम, बट इंक्लूड्स एक्सनेबल क्लेम गुड्स है, और ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलें, ग्रास, घास एंड अदर थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, अटैच्ड टू एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी शिवर्ड, शिवर्ड का मतलब होता है काट देना, which are agreed to be shivered before supply or under a contract of supply। ये इतनी बात एक ही है, एक बात को कह रहा है यहां से लेके यहां तक जो ब्रैकेट में मैंने लिखा, इंक्लूड्स दो चीजें, एक कह दिया एक्सनेबल क्लेम और दूसरा ये ब्रैकेट वाली बात। तो क्या है ये ब्रैकेट वाली बात, ध्यान से समझिए। देखिए ये जमीन है और इस जमीन पे फसलें हैं, ये सब फसलें हैं, इस जमीन पे फसलें हैं वो रखी हैं, और मैं ये जमीन फसल के साथ बेचता हूं किसी को, फसल लगी हुई है जमीन पे और इस फसल के साथ मैंने जमीन को बेच दिया, तो कहता है ये पूरा का पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मतलब फसल, जमीन सब क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट। और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं लगता, आपको पता है, ठीक है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैंने फसल को काट दिया, ये देखो काट दिया, मैंने फसल को काट दिया, अगर काट के मैंने दिया तो ये गुड्स है, यही बता रहा है, तब ये गुड्स है। आ गया समझ में सबको। देखिए जमीन इमूवेबल प्रॉपर्टी है और जमीन पे अगर फसल है, पेड़ वेड़ उगा हुआ है और मैं पेड़ काटे बिना जमीन को बेच देता हूं तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा, वो पेड़ सहित जो जमीन है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा, पेड़ भी इमूवेबल, जमीन भी इमूवेबल, सब इमूवेबल कहलाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैंने पेड़ फसल काट दिए और काट के बेचा तो दीज आर गुड्स, ये कह रहा है। आई होप सबको समझ में आ गया ये बात। अब बात करते हैं एक्सनेबल क्लेम क्या चीज है, ये क्या है एक्सनेबल क्लेम, व्हाट इज दिस। एक्सनेबल क्लेम क्या चीज है, एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत आसान भाषा में मैं समझाता हूं आपको। मिस्टर ए के पास एक कार थी, ठीक है, और मिस्टर ए की डेथ हो जाती है और उसके करीबी में सिर्फ एक आप ही हो, मतलब उसका कोई नजदीकी करीबी था नहीं, आप ही एक उसके सबसे करीब वाले अगर रिश्तेदार की बात करें तो आप हो, तो वो कार आपको मिल जाती है, वो कार आपको मिल जाती है, इसे कहा जाता है एक्सनेबल क्लेम, इसे कहा जाता है एक्सनेबल क्लेम। मतलब ऐसे समझ लीजिए एक्सनेबल क्लेम हम किसको कहते हैं, जो चीज मेरी नहीं थी और अचानक से मुझे रिसीव हो जाए,
अनसिक्योर, मतलब उस पर मेरा हक नहीं था, ऐसे समझिए, जिस चीज पे मेरा हक नहीं था वो मुझे मिल जाए तो दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। अब ध्यान दीजिएगा, पिताजी की डेथ हो जाती है तो बेटे को प्रॉपर्टी मिल जाती है, वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है, ध्यान से समझिए, क्यों? क्योंकि उस पर हक बेटे का था। आई होप आपको बात समझ में आ गई हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? किसी चीज जिस पे मेरा हक नहीं है वो चीज मुझे मिल जाए तो दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम, और इसे गुड्स माना जाता है, राइट? अब हम सर्विस की डेफिनेशन पे आ रहे हैं। अगेन ये डेफिनेशन कहां पे है? सीजीएसटी एक्ट में है। डेफिनेशन क्या कहता है? मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। बड़ी सुंदर डेफिनेशन है। गुड्स की डेफिनेशन में कहता है सब कुछ गुड्स है, बस क्या नहीं है? इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है, मनी सिक्योरिटी गुड्स नहीं है, बाकी सब गुड्स है। और सर्विस की डेफिनेशन सुनो, अगर वो गुड्स नहीं है तो सर्विस है, मतलब जीएसटी तो हर हाल में देना पड़ेगा। जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, और जीएसटी किस पे लगता है? गुड्स या सर्विस पे, और जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, तो यानी जीएसटी सब पे लग जाएगा। सरकार ने ये कानून बनाया है। तो आपको कि सर बहुत सारी चीज तो बच जा रही है, बच इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार दूसरे तरीके से आपको लपेट के टैक्स ले रही है, बच कुछ नहीं रहा है, ठीक है? जैसे आप कहोगे, देखो मैंने समझाया ना कि अल्कोहल पे तो पुराना टैक्स लग ही रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या इस पे टैक्स लग रहा है? हाँ लग रहा है भाई साहब, क्या लग रहा है? स्टैंप ड्यूटी लग रहा है। मनी एंड सिक्योरिटीज, अब मनी एंड सिक्योरिटीज पे जीएसटी लगने लग जाए ना तब तो तबाही मच जाएगी। मतलब हम किसी को 500 का नोट दें, बदले में 100 नोट लें, सरकार कहेगी जीएसटी दो, अरे ये कौन सा मजाक हुआ भाई साहब? अब ये भी मजाक करोगे तुम लोग? मनी देंगे, सिक्योरिटीज देंगे तो भी जीएसटी लगेगा, ये कोई गुड्स है सर्विस है? तब तो ये मतलब हो जाएगा ना, मनी देने का मतलब किसी को मैंने 500 का नोट दिया, कहा खुले दे दे मुझे, छुट्टे दे दे, 100 के वो 5 नोट दिया, गवर्नमेंट कहेगी सप्लाई हो गया, सप्लाई कर दिया तुमने गुड्स का, लाओ जीएसटी लाओ मेरा। तो वो होना भी नहीं चाहिए। तो तीसरे वाले पॉइंट पे नहीं है तो ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। आ जाओ, सर्विस क्या है? मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स, बट इंक्लूड्स, अब अलर्ट हो जाइए, अलर्ट हो जाइए एकदम, बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो विच इज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, सर ये क्या मतलब हुआ? एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाई कैश, या फिर मनी का कन्वर्जन हो रहा है, और बाई एनी अदर मोड, किसी और मोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अदर फॉर्म, करेंसी के डिनोमिनेशन को, फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, अच्छा, करेंसी और डिनोमिनेशन, फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड, जिसके लिए अलग से पैसा लिया जा रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है आप मनी का कोई प्रयोग कर रहे हो, उसका कोई कन्वर्जन कर रहे हो, उसके फॉर्म को चेंज कर रहे हो, उसके डिनोमिनेशन को चेंज कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके लिए अलग से पैसे ले रहे हो, जिसके लिए अलग से पैसे ले रहे हो, ये करने का अलग से पैसा ले रहे हो। तो क्या कहता है? सर्विस इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। अच्छा ये अलग बात होगी, पहले इतनी बात समझा दूं। सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, जिसके लिए आप सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो, तो ये सर्विस है, क्योंकि इसको क्या कह रहा है? दिस इज इंक्लूडेड, तो ये सर्विस है। मतलब मैंने क्या किया, डॉलर को इंडियन रूपी में कन्वर्ट कर दिया, कि कोई डॉलर था किसी के पास, मैंने उसको इंडियन रूपी में कन्वर्ट कर दिया, और इसके लिए मैंने अलग से उससे 10 रुपए ले लिए। ध्यान से सुनिएगा, एक डॉलर 75 रुपए का है, उसने मुझे $2 दिए, मैंने उसे 150 रुपए दिए, और इस काम को करने का उसे 5 रुपए लिया मैंने। आप बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात, बहुत ध्यान से सुनिए। $1.75 का है, किसी ने मुझे $2 दिए तो मैंने उसे 150 रुपए दिए, लेकिन ये काम करने का मैंने उससे 5 रुपए लिया, तो 5 रुपए सर्विस का है। वो जो आदान प्रदान, $2 का 150 रुपए दिया ना, आदान प्रदान हुआ, ये सर्विस नहीं है, लेकिन उस काम को करने का मैंने 5 रुपए ले लिया, ये सर्विस है, 5 रुपए सर्विस का है। इस 5 रुपए पे जीएसटी लगी, 150 पे नहीं बच्चों, 150 पे नहीं, 5 रुपए पे जीएसटी लगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात, क्या जीएसटी लगेगी आप बताएंगे? मैंने 2000 रुपए का नोट दिया और आपसे खुले लिए उसके 500 के 4 नोट, क्या जीएसटी लगेगा इस पे? नहीं, ये कोई सर्विस नहीं है। लेकिन आपने कहा खुले तो दूंगा, लेकिन इस बात के 10 रुपए लूंगा,
मेरी मजबूरी थी, मुझे चाहिए। ऐसा होता नहीं। आप कहोगे सर इम्प्रैक्टिकल बात है, तो मैं कर रहा हूं इम्प्रैक्टिकल बात, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कानून क्या कहता है। ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपको 2000 रुपए दिए और आपने 500 के चार नोट दे के मुझसे 10 रुपए ले लिए, तो आपने 10 रुपए की सर्विस दी है। ये जो आपने काम किया है ना, बदलाव किया, ये 10 रुपए की सर्विस है और 10 रुपए पे आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? प्रैक्टिकली नहीं होता है, प्रैक्टिकली ये नहीं होता है। लेकिन क्या फॉरेन करेंसी में ऐसा होता है? हाँ, हम डॉलर बदल के रुपया देते हैं, पैसा अलग से लेते हैं, राइट? तो क्या वहां पे जितना पैसा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है उस पे जीएसटी लगेगा? हाँ लगेगा, वो सर्विस है। आगे बात समझ में सबको? अब आखिरी लाइन इसकी क्या है? सर्विसेज इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। डिबेंचर पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन मिस्टर एक्स मुझसे कहता है मैं तुम्हारे डिबेंचर बिकवाऊंगा और हर डिबेंचर बिकवाने का मैं तुमसे 1% कमीशन लूंगा, राइट? तो जो 1% वो कमीशन ले रहा है, ये सर्विस है और इस पे जीएसटी लगेगा। फिर से सुनिएगा, मेरा शेयर 100 रुपए का है, मिस्टर एक्स कहता है तुम्हारा शेयर बिकवा दे, हम कहते हैं हाँ बिकवा दो, कहता है 1 रुपया लेंगे एक शेयर बिकवाने का, 100 में वो बिकवाएगा लेकिन 1 रुपया वो ले लेगा। बात समझ में आई? तो मेरा 100 रुपए का शेयर जब वो बिकवाता है तो 1 रुपया लेता है, पता है 1 रुपया जो है ये सर्विस है, 100 रुपए का शेयर सर्विस नहीं है, लेकिन वो 1 रुपए सर्विस है और 1 रुपए पे वो अब जीएसटी लगा के लेगा। 100 पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन 100 रुपया का शेयर बिकवाने का उसने कमीशन लिया है ना, जो वो सर्विस है उस पे जीएसटी लगेगा। यही बात यहां लिखी हुई है कि अगर कोई फैसिलिटेट कराता है, अरेंज कराता है ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज, तो उस पर जीएसटी लगेगा। जैसे मैं बताता हूं, आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हैं, किसी ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीदते हैं, तो वो ब्रोकरेज लेता है, तो जो ब्रोकरेज लेता है उस पर जीएसटी लगेगा। फिर से मैं बताता हूं इस बात को, जैसे मैंने 100 रुपए का रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा, कहां से? अप स्टॉक्स के थ्रू, ज़ेरोधा के थ्रू, कहीं से भी मैंने खरीदा, किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू मैंने खरीदा, तो वो मुझसे ब्रोकरेज लेता है। मान लीजिए उसने 1 रुपए की ब्रोकरेज ली, तो वो अब 1 रुपए पे जीएसटी मिलेगा। 100 रुपए के शेयर पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन 1 रुपए जो उसने ब्रोकरेज ली है ना, उस पे जीएसटी लगेगा। आई होप क्लियर है सबको। मनी और सिक्योरिटीज पे जीएसटी नहीं लगता। मनी का मतलब क्या होता है? मनी का मतलब होता है इंडियन लीगल टेंडर, मतलब जिस पे गांधी जी की फोटो लगी है वो मनी है, ठीक है? इंडियन लीगल टेंडर वही है। और एनी फॉरेन करेंसी, जो विदेशी मुद्रा है वो भी मनी है, डॉलर, पाउंड, ये सब भी क्या है? मनी है। चेक भी मनी है, प्रॉमिसरी नोट भी मनी है, बिल ऑफ एक्सचेंज मनी है, लेटर ऑफ क्रेडिट मनी है, ड्राफ्ट मनी है, पे ऑर्डर मनी है, ट्रेवलर्स चेक मनी है, मनी ऑर्डर मनी है, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंसेस मनी है। क्या आपको ये सारी चीज समझ में आती है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इंडियन लीगल टेंडर आपको समझ में आता है, मुझे मालूम है। फॉरेन करेंसी आप समझते हो, चेक आप समझते हो, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, एक ही जैसी चीज है, आप समझते हो ये भी। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम विदेश में अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी विदेशी से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो कभी कभी वो मुझसे कहता है कि माल मैं भेज रहा हूं पहले पेमेंट करा दो। जैसे हम मान लीजिए दुबई से कुछ माल मंगा रहे हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी समझिएगा, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? जैसे मैं दुबई से माल मंगा रहा हूं, ठीक है, तो मैं उससे कहता हूं माल भेजो, वो कहता है अरे पेमेंट दो पहले। हम कहते हैं माल तो भेजो तब तो पेमेंट दे, पहली बार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम, तो तुमको जानते भी नहीं है, इंटरनेट से तुम्हारा नंबर निकाले हैं, फोन मिलाए हैं, बोल रहे हैं माल भेजो, कैसे पैसा दे दें, पता नहीं तुम भेजोगे कि नहीं। तो कह रहे हैं हम तुमको माल कैसे भेज दें, हम तुमको कौन सा जान रहे हैं। तो बेसिकली इस ट्रांजेक्शन में क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट लगता है, ये गारंटी लेटर होता है। हम अपने बैंक में जाते हैं, बैंक से कहते हैं कि हम 5 लाख रुपए का माल दुबई से मंगा रहे हैं, 5 लाख रुपए का एक गारंटी लेटर बना दो, ठीक है? तो वो गारंटी लेटर बना देता है बैंक वाला और उसको हम ये गारंटी लेटर भेज देते हैं। अब वो निश्चिंत हो गया है वहां पे कि भैया पैसा मिल जाएगा, बैंक ने गारंटी दे दी है। और बैंक क्या करती है, मेरा अकाउंट में पैसा फ्रीज कर देती है। फ्रीज करने का मतलब ये होता है खाते में पैसा है लेकिन हम निकाल नहीं पाएंगे,
5 लाख रुपए मेरे खाते में से अब निकलेगा नहीं, वो फ्रीज है बैंक के पास, क्योंकि बैंक ने किसी को वादा कर दिया है कि तुम्हारा पैसा हम देंगे। ठीक है, तो यही होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, ये भी मनी के बराबर होता है। ये जो कागज का टुकड़ा होता है ना जिसपे बैंक ठप्पा लगा के देती है कि हम गारंटी ले रहे हैं, ये मनी के बराबर है। ठीक है, उस पर 5 लाख रुपया लिखा है तो 5 लाख का वो नोट है, समझिए। ठीक है, तो वो मनी है। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट आप समझते हैं बैंक में जो डीडी बनवाते हैं। पे ऑर्डर इज एग्जैक्टली द सेम वे। ट्रेवलर चेक, ट्रेवलर चेक क्या होता है? ट्रेवलर चेक तो जैसे मान लीजिए मैं दुबई जा रहा हूं घूमने, ठीक है, तो कैश ले जाना सुरक्षित रहेगा? आपको क्या लगता है? मुझे 2 लाख रुपया लेके जाना है दुबई घूमने, 2 लाख रुपए कैश लेके जाए सुरक्षित है? नहीं, कहीं गिर गया कुछ या चोरी हो गया, कैश नहीं ले जाना। तो क्या करें फिर, क्या करें? कार्ड लेके जाए, इंटरनेशनल कार्ड। कहीं स्वैप, जहां पे हम गए वहां पे कहीं स्वैप की फैसिलिटी नहीं थी तो पता चला नहीं हो पाया। तो ट्रेवलर्स चेक एक इंस्ट्रूमेंट है जो लेके हम विदेश जाते हैं, ठीक है, और वहां पे जो करेंसी कन्वर्टर होते हैं वो उसको कन्वर्ट करके आपको रुपया दे देते हैं। ठीक है, तो हम अपने बैंक से ट्रेवलर चेक बनाते हैं, लेके जाएंगे दुबई में, करेंसी कन्वर्टर क्या करेगा उसका, हमको वहां की दुबई की करेंसी दे देगा उसका। ठीक है, तो ये भी चेक कैश के बराबर है। ठीक है, मनी है ये भी, ट्रेवलर चेक। मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर आप जानते हो पोस्ट के थ्रू भेजा जाता है, पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंसेस। चलिए, ये सब मनी है। और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई व्हेन यूज्ड एज कंसीडरेशन टू सेटल एन ऑब्लिगेशन, जिससे हम अपनी कोई लायबिलिटी को पूरा कर पाते हैं, वो मनी है। और एक्सचेंज विद इंडियन लीगल टेंडर ऑफ अनदर डिनोमिनेशन, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मैटिक वैल्यू। इतनी बात को हाईलाइट करिए, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मैटिक वैल्यू। कह रहा है कोई भी करेंसी जो अपनी न्यूमिस्मैटिक वैल्यू के लिए जानी जाती है उसको मनी नहीं कहेंगे। उसको मनी नहीं कहेंगे मतलब वो गुड्स हो गया। फिर तो वो गुड्स हो गया। क्या मतलब होता है न्यूमिस्मैटिक वैल्यू? लिमिटेड एडिशन करेंसी, लिमिटेड एडिशन करेंसी, राइट? क्या आपके पास 50 रुपए का सिक्का है, 50 रुपीज का, जल्दी बताइए, है? आप कहोगे शायद बहुतों ने तो देखा भी नहीं होगा, हो सकता है किसी ने ना देखा हो। और मैं आपको बताऊं मेरे पास है। ये लिमिटेड एडिशन करेंसी है। ये सरकार जो करेंसी बहुत कम बनाती है ना, कुछ पीसेस बनाती है गिनती के, ठीक है, तो ये लिमिटेड एडिशन करेंसी है। ये अपनी न्यूमिस्मैटिक वैल्यू के लिए जाना जाता है। एक बात बताइए, अगर मैं किसी को ये 50 रुपए का सिक्का दूंगा तो उससे 50 रुपए ही लूंगा? नहीं, पता है मुझे लगता है ये 50 रुपए का सिक्का अगर मैं चाहूं तो 1 लाख रुपए का भी बेच सकता हूं। खरीदने वाले होंगे, इसको 1 लाख रुपए का भी बिक सकता है ये 50 रुपए का सिक्का। क्यों? क्योंकि किसी ने नहीं देखा है, ये लिमिटेड एडिशन करेंसी हमारे देश की, ठीक है। तो कह रहा है कि ये मनी नहीं माना जाएगा, ये 50 रुपए नहीं है, ये गुड्स है। और जब मैं इस सिक्के को किसी को दूंगा और किसी से 5 लाख रुपए लूंगा ना, तो 5 लाख पे जीएसटी लेनी पड़ेगी। कह रहा है ये मनी थोड़ी ना, ये तो सामान है, माल है, ये गुड्स है, गवर्नमेंट कह रही है, राइट? एक एग्जांपल यहां पे मैंने लिया है कि सेल ऑफ क्वाइन कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ 100 क्वाइंस। मेरे पास 100 सिक्कों का कलेक्शन है, पता ये सिक्का कैसा है? मैं आपको बताता हूं। मेरे पास 1 पैसा, 2 पैसा, आई डो नॉट नो पहले उसके बाद क्या होता था, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, इस तरीके से पूरे क्वाइन की कलेक्शन है मेरे पास, राइट? तो कुछ इस तरीके का यूनिक कलेक्शन मैंने 100 क्वाइन का बना रखा है, जो जनरली देखने को नहीं मिलता है, ऐसी क्वाइंस है मेरे पास। और उन सभी की जोड़, अगर हम सारे सिक्कों की जोड़ कर देंगे तो टोटल आ रहा है 25 रुपया 75 पैसा। अब जल्दी से बताइए, किसी को वो 100 क्वाइन का कलेक्शन किसी को मैं दे रहा हूं, ये लो पकड़ो, तो क्या उससे 25 रुपया 75 पैसा ले लूं? राउंड फिगर में 26 रुपया ले लूं? नहीं, मैंने उसका रेट लगाया है 50,000 रुपए। गवर्नमेंट कह रही है ये सब मनी नहीं होता है, इसको हम पैसा नहीं मान रहे हैं। ये जो तुम्हारे पास 1 पैसे का सिक्का है ना, ये 1 पैसा नहीं है, ये गुड्स है,
और इसको जब बेचोगे तो इस पे जीएसटी लगेगा, राइट? तो वुड बी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड चार्जेबल टू जीएसटी एज सच क्वाइन इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मैटिक वैल्यू। न्यूमिस्मैटिक वैल्यू का मतलब होता है जो चीज अब आपको जो करेंसीज देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, तो वो अपनी वैल्यू, उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है और निश्चित है वो ज्यादा पैसे में बिकती है। आजकल जो 5 का सिक्का आता है वो छोटे साइज का होता है, ठीक है, मोटा सा छोटे साइज का होता है। पहले 5 का ये सिक्का ना बड़े साइज का आता था और इस पे इंदिरा गांधी की फोटो वाला जो 5 का सिक्का है ना वो उसका मार्केट में रेट भी ज्यादा है, वो 5 रुपए में नहीं बिकता है। वो इंदिरा गांधी का जो कॉइन है 5 रुपए वाला वो शायद 100 रुपए में बिकता है, आई थिंक, राइट? उसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपीज है। तो दैट इज ए गुड्स, दैट इज नॉट कॉइन। वो आप 5 रुपए का सिक्का देते तो 5 रुपए नहीं मिलता, कितना मिलता है? 100 रुपए मिलता है। तो लाइक वेज, तो ये दीज आर नोन फॉर न्यूमिस्मैटिक वैल्यू। नाउ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं मैं, बस ऐसे लिख दूंगा शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब क्या है? सिक्योरिटीज है। यहां पे सिक्योरिटीज के फॉर्म्स लिख दूं, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, दीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेस, राइट? विल स्टॉप हियर नाउ।